फाइनली मैं पहुंच गया हूं मेरी बस के पॉइंट तक। ये चौहान बस है जो जिससे मुझे जोधपुर जाना है। योगेश जोधपुर के लिए, योगेश। तो देखिए ये है भवानी चौहान ट्रेवल्स जो जैसलमेर से जोधपुर चलती है। इसकी जो टिकट मैंने कराई थी वो ऑनलाइन करी थी रेड बस से, जो कि 367 रुपीस की मुझे चार्ज की गई थी। 367 वैसे नॉर्मली जो रोडवेज की बसें हैं वो 289 रुपीस में हमें यहाँ लाती है। 289 रुपीस उसका किराया होता है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैंने तो कल ये जर्नी करी थी रोडवेज की बस से, लेकिन अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप गलती से भी रोडवेज की बस को चूज़ ना करें। एक तो नॉन एसी होती है, दूसरा वो लोकल होती है, रास्ते भर में 50 जगह वो रुकती है और कम से कम 3 गुना सवारी भरते हैं और बहुत बहुत बुरा अनुभव था। तो ये एसी बस है, इसका किराया 367 रुपीज़ ऑनलाइन हुआ है रेड बस से। और मुझे अभी तो बस के अंदर भी अच्छी साफ़ सफाई लगी और बस देख के भी लग रहा है साफ़ सुथरी नई बस है। टाइमिंगली 4.5 घंटे में पहुँचा देंगे जैसा कि इन्होंने टाइम बताया है, मतलब 8:50 पे यहाँ से चलना है और करीबन 1:34 1:34 पे इन्होंने बताया कि ये पहुँचा देंगे। तो समय भी कम ले रही है और सुकून भरा ट्रेवल होगा, तो ये ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगी। आप जब भी जैसलमेर और जोधपुर के बीच ट्रेवल करें तो रोडवेज को अवॉइड करें। और ये ड्राइवर साहब हैं, ड्राइवर साहब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। जैसलमेर से जोधपुर हमारी चौहान ट्रेवल्स की हर 45 मिनट में बस सर्विस चलती है, नॉन स्टॉप, और 4.5 घंटा लेती है और एसी बस। अच्छा, तो आप हर 45 मिनट में यहाँ से एक बस रवाना करते हैं जोधपुर के लिए? हर 45 मिनट पे। ये तो बहुत शानदार सर्विस है जी। और जैसा हमने देखा रेड बस में भी सबसे ज्यादा जो रिव्यूज थे, सबसे अच्छे रिव्यूज हमें चौहान ट्रेवल्स के देखने को मिले, तभी हमने उसे बुक भी किया था जी। तो आप कब से जुड़े हैं चौहान ट्रेवल्स से? 15 साल हो गए सर। 15 सालों से जुड़े हैं जी। और कहाँ कहाँ की सर्विसेज आप लोग देते हैं जैसलमेर से? जैसलमेर से जोधपुर, जैसलमेर से जयपुर, जैसलमेर से अहमदाबाद, जैसलमेर से सूरत, जैसलमेर से बीकानेर, जैसलमेर से दिल्ली सर्विस है चौहान ट्रेवल्स। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश चालू नहीं किया आपने इंदौर के लिए? अभी नहीं, आगे करेंगे। क्योंकि देखिए पहली चीज कि जैसलमेर से इंदौर के लिए कोई बस नहीं है। मैंने भी कल कोशिश करी थी तो फिर मुझे जोधपुर से दूसरे ट्रेवल्स की लेनी पड़ी। तो अगर आप इंदौर के लिए करते तो मैं समझता हूँ इंदौर उज्जैन का यातायात आपको यहाँ से काफी मिल जाएगा। जी, जी, जी। रास्ता पूरा पैक है, ये देखिए पूरे रास्ते पूरे
खड़े हैं, मतलब लोकल बस को भी इन्होंने फेल कर दिया है, तो ये आशा तो नहीं थी मुझे, क्योंकि इन्होंने जर्नी स्टार्ट करते वक्त ये कहा था कि हम नॉन स्टॉप जोधपुर जाएंगे। जैसलमेर से जोधपुर हमारी चौहान ट्रेवल्स की हर 45 मिनट में बस सर्विस चलती है, नॉन स्टॉप और 4.5 घंटा लेती है, और एसी बस नॉन स्टॉप और 4.5 घंटा लेती है, क्योंकि करीबन 290 किलोमीटर का ट्रेवल है। और ये बस को मैंने रेड बस से बुक किया था, बुक करने का कारण यही था कि इसमें हमें ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, ज़्यादा सुकून मिलेगा, लेकिन अभी ये स्थिति है कि एसी होने के बावजूद इस बस के अंदर मतलब इतना ज़्यादा सफोकेशन टाइप हो रहा है, क्योंकि एसी चल रहा है लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना लोकल क्राउड इन्होंने भर लिया है, 10-10, 20-20 किलोमीटर की जो सवारियां हैं वो सब अंदर भरी हुई है, मतलब ओवरलोडेड है बस। सीट का तो छोड़ दीजिए, चलिए हम तो हमारी सीट पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ जो स्थिति है कि लोगों को पांव रखने की जगह नहीं है, मतलब जैसे बिल्कुल लोकल गाड़ी में भर देते ना वैसे लोकल सवारी। अभी देखिए आप, ये फिर एक स्टेशन आया है, छोटे छोटे गांव, ये इन्होंने बस रोक ली है, और अब ये बहुत सारी सवारियां यहाँ पे जो खड़ी हैं, ये देखो ये इसको भी चढ़ाएंगे, अभी अंदर पांव रखने की जगह नहीं है। ये एक भाई साहब और अंदर आ गए, ये लटक गए बस पर, और ये कहने को एसी बस है, सुपर फास्ट बस है और लग्जरी बस है, तो रेड बस ने इसको 4.8 स्टार रेटिंग दी है, लेकिन मेरा रिव्यू तो नेगेटिव ही जाएगा, जिस तरह से लोकल सवारियां ये देखिए आप बिठाई जा रही है। तो दोस्तों, इस बस ने मुझे 2:10 पर जोधपुर में उतारा, जो ये अपने तय समय से आधे घंटे लेट थी। दोस्तों, मेरी अगली यात्रा जोधपुर से इंदौर के बीच होने वाली है, जो मैं एमआर ट्रेवल्स की मल्टी एक्सल वॉल्वो 9600 से करने वाला हूं। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें।